वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बात करेंगे सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी की जो अनिवार्यता थी, बाध्यता थी, पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। बात करेंगे कृषि विभाग में बड़ी भर्ती का ऐलान जल्द होगा। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली जो अपडेट लगी हुई है डियर, आपको देख सकते हैं, सीटें 2,30,000 लेकिन आवेदन मात्र 60,000। ये डीएलएड की दयनीय स्थिति है डियर, आप देख सकते हैं डीएलएड की लगभग 2.5 लाख सीटों के लिए मात्र 60,000 आवेदन किए गए हैं। ऐसे में डीएलएड संस्थानों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश स्वायत्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को विशेष सचिव अखिलेश कुमार तिवारी से भेंट कर अगस्त तक आवेदन लिए जाने की मांग की, ताकि डाइट समेत संस्थानों को छात्र छात्राएं मिल सके। यानी कि आप देख सकते हैं कि 90% सीटें डीएलएड की खाली हैं। जैसा कि आपको विगत ज्ञात है कि डीएलएड एकमात्र कोर्स ऐसा था जो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गारंटी माना जाने वाला कोर्स था, लेकिन जब से बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया है, तब से डीएलएड की जो दशा है वो पूरी तरीके से दयनीय और निंदनीय हो गई है। आप देख सकते हैं अभी इसके जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन, उसको अगस्त तक करने के लिए जो डीएलएड संस्थानों के प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने हमारे मुख्य सचिव जी से मुलाकात की है और उनसे मांग की है कि अगस्त तक इनके फॉर्म फिल होते रहें, ताकि हम कहीं ना कहीं से अभ्यर्थियों को ढूंढ करके इनके एडमिशन करा सके। तो आप देख सकते हैं डीएलएड की किस तरीके की कंडीशन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर, आप देख सकते हैं किस लिए डीएलएड की दयनीय स्थिति है, क्योंकि 7 साल में 12 भर्तियां हुई है, शिक्षा विभाग भी 4 साल से सन्नाटा पड़ा हुआ है। कब भर्तियां हुई हैं आप यहां देख सकते हैं, 2011 में 72,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी और 12 में लगभग 9,000 पदों पर, फिर 13 में 10,000, इस तरीके से पूरी भर्तियां हुई थी। लेकिन जो लास्ट भर्ती हुई है 69,000 की, वो आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में हुई थी, और इसी के पहले जनवरी 2018 में 68,500 की भी हुई थी। उसके बाद सूबे में किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। आप यहां देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई लागू होने के बाद 7 साल तक 8वीं तक स्कूलों में बंपर 12 भर्तियां निकली, लेकिन उसके बाद से जो ब्रेक लगा तो पिछले 4.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में 1,37,517 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पर समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही प्रदेश सरकार ने 2 चरणों पर भर्ती निकाली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के 52,000 पद रिक्त होने की बात भी स्वीकार की गई थी, लेकिन शिक्षक भर्ती ना निकलने से 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड बेरोजगार निराश हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कब कब निकाली गई है, क्या कुछ इसमें ऐलान किए गए हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 2018 में 52,000 पद रिक्त होने का हलफनामा योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और 18 से या 23 समाप्त हो रहा है। प्रतिवर्ष 10 से 15,000 टीचर रिटायरमेंट भी हो रहे हैं और बेसिक में प्रमोशन भी चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लाखों से ज्यादा पद रिक्त हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर ध्यान आकर्षित करती है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, शिकायतों पर शासन ने जारी की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, कई अधिकारी रडार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीचर्स हैं उनका अंतः जनपदीय और अंतर जनपदीय ट्रांसफर चल रहा है और इसमें घूस लेने की जो बातें हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानांतरित शिक्षक जो कार्यमुक्त करने के नाम पर की जा रही है वसूली। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन स्तर पर इस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा रही है, लेकिन ट्रांसफर के नाम पर जो पैसा है वो अवैध तरीके से बेसिक विभाग में वसूला जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, कृषि विभाग में 3,466 पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि विभाग में 3,466 पदों पर कृषि प्रावैधिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवर एज 906 अभ्यर्थियों का डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया है।
और नया जो भर्ती है वो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है कभी भी इसका विज्ञापन जारी करेगा, और 3466 पदों पर ये भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी जरूरी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो सहायक प्रोफेसर की भर्ती होती थी उसके लिए जो पीएचडी की अनिवार्यता थी पूरी तरीके से वो पहले लागू थी, लेकिन बाद में यूजीसी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पीएचडी की जो डिप्लोमा है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, और कहीं ना कहीं नेट के नियमों में जो बदलाव है वो कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी अब कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 1 जुलाई से लागू हुए नए नियम के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य परीक्षा सेट तथा राज्य स्तर पात्रता परीक्षा SLT उत्तीर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर बन सकेंगे। यानी कि अगर आप नेट सेट पास कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। डियर ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।